कैंप्स हमने पीछे भी देखे थे, लेकिन वो वही जैसे ऋषिकेश में वो कैंप कॉलोनी टाइप लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल इंडिविजुअल है अलग से। हम आ गए हैं गुरुद्वारे, चलिए मत्था टेक लेते हैं, और साथ ही बहुत प्यारा शिव मंदिर भी है, वहाँ भी चलते हैं। पके हुए हैं, बम बम बोले, बम बम बोले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट, देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। हमारा दूसरा दिन है आज कुल्लू में, और आज हम यहाँ से जा रहे हैं रायसन मीडोज़ में। हमने स्टे किया था, बहुत अच्छा स्टे रहा हमारा, इसका पूरा वीडियो हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। और यहाँ से अब हम जाएंगे आज मणिकरण और कसौल, वो भी इसके बहुत पास ही है, तो अगर आप यहाँ रहते हैं तो वो भी विज़िट कर सकते हैं। कसौल के बारे में कहा जाता है कि मिनी इसराइल है वो, क्योंकि वहाँ पर इसराइलीज बहुत मिलते हैं, तो चलिए देखते हैं हमें कितने इसराइलीज मिलते हैं। बहुत सुंदर, ये देखिए पार्वती नदी के साथ साथ हम चल रहे हैं, और ये पूरी पार्वती वैली है जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। गुरुद्वारे साहिब मणिकरण वो भी पार्वती वैली में ही स्थित है। अभी हम कसौल के पास पहुँच गए हैं, और यहाँ पर बहुत सारी कैंप साइट्स मुझे दिख रही हैं, तो हम अभी जब वापस आएंगे तो हम उनको भी थोड़ा सा कवर करेंगे, थोड़ी जानकारियाँ हम लेंगे। लेकिन जो इस तरफ का पूरा ये एरिया है, इतनी चिल्ड हवा है यहाँ पर, बहुत ठंडा है, और बिल्कुल डिफरेंट है ये। इवन कुल्लू से, जो कुल्लू की तरफ हमने जो जितनी खूबसूरती देखी, उससे भी ज़्यादा खूबसूरती हमें यहाँ पर मिल रही है। गुरुद्वारे साहिब मणिकरण पहुंच गए हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ी पार्किंग है, तो यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं आप, और उसके बाद पहले हम प्राचीन राम मंदिर है यहाँ पर, उसके दर्शन करेंगे, और उसके बाद हम गुरुद्वारे जाएंगे। हाँ, हम पहुंच गए हैं प्राचीन श्री राम मंदिर, बच्चे सारे बैठ के आई थिंक फोटो सेशन करा रहे हैं यहाँ पर। हर हर महादेव, सबसे पहले भोलेनाथ के दर्शन। जय श्री राम। राम मंदिर से थोड़ा सा हम आगे आएंगे तो यहाँ पर प्राचीन मंदिर भगवती नैना माता, नैना माँ के दर्शन भी आप यहाँ कर सकते हैं। जय माँ नैना देवी। मैंने इसके बारे में पहले बहुत सुना था, और इवन हम लोग जब पिछली बार मनाली की तरफ आए थे तो हमारा प्लान था इधर आने का, और देखिए कितना उबलता हुआ पानी आपको दिख रहा है। ये यहाँ पर गुरुद्वारे में भी जो खाना बनता है वो इसी तरह के स्रोत अलग अलग बने हुए हैं, वहाँ पर बनता है। यहाँ नींबू दिख रहे हैं हमें पकाने के लिए रखे हुए हैं, और यहाँ तक भाप आ रही है गरम गरम। थोड़ा सा आगे आएंगे प्राचीन मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज मणिकरण, बहुत सुंदर मंदिर है ये भी। सही है। यहाँ कैसे आप यहाँ वीडियो बना रहे हैं? बस हम जैसे हमारा वीडियो देख के आप वहाँ पहुँचे तो यहाँ भी लोग आएंगे। सब सारे मंदिर यहाँ पर गुरुद्वारे से पहले लाइन से हैं, और यहाँ पर अब आ गए हैं हम प्राचीन मंदिर श्री राधा कृष्ण। मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही होगी अब, क्योंकि आपको पता चल रहा होगा मुझे यहाँ कितनी ठंड लग रही है। अब थोड़ा सा धूप आई है ना, तो अच्छा लग रहा है।
मैं इसलिए हल्के कपड़े पहन के आती हूँ क्योंकि ठंड लगेगी तो ये कुछ ना कुछ नया दिलवा ही देंगे। देखिए हमें जैकेट मिल गई दूसरी, और वार्म है एक्चुअली, अच्छी जैकेट है। और ये मैं समझना कि सिर्फ मुझे दिलवाई है, अपने लिए भी एक ली है। यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है, बंद है दरवाज़ा इसलिए हम दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ जगह जगह पर बहुत सारे मंदिर हैं। और हम बजरंगबली ने अपने आप मंदिर तक बुला लिया, रास्ता पीछे है, हम गलती से यहाँ आ गए थे, लेकिन चलो अच्छा हुआ। देखिए कुंड में ये यहाँ पर चावल ढककर रखे गए हैं, चावल पक रहे हैं इसमें। प्रसाद बन गया एकदम से, एकदम गरम गरम। देखिए गर्मा गर्म हमें प्रसाद भी मिल गया, पके हुए हैं। बम बम बोले, बम बम बोले। मंदिर के चारों तरफ भाप, देखिए इतना गर्म पानी है यहाँ पे। गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ ही ये मंदिर है। हम आ गए हैं गुरुद्वारे, चलिए मत्था टेक लेते हैं, और साथ ही बहुत प्यारा शिव मंदिर भी है, वहाँ भी चलते हैं। जल का बहाव देखकर आप समझ जाइए, यह देखिए माँ पार्वती का रूप है ये। भंडारे का टाइम भी हो गया है, यहाँ लंगर लगा हुआ है। कसौल के पास ये सोमा रोपा एक जगह है जो हमें दूर से देखने पर इतनी अच्छी लग रही है, और यहाँ पर एक कैंप हम आपको दिखाने वाले हैं। कैंप हमने पीछे भी देखे थे, लेकिन वो वही जैसे ऋषिकेश में वो कैंप कॉलोनी टाइप लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल इंडिविजुअल है, अलग से कैंप्स बहुत सारे हैं इनके पास। तो ये हमें अल्पाइन कैंप्स दिख रहे हैं, इसमें कितने लोग रहते हैं? इसमें 3-4 पीपल्स आ जाते हैं। ओके। और बाकी इसमें लाइट्स होती है। ठंडा नहीं लगता होगा नीचे, मैट्रेस है तो? इसमें हमने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी दिया हुआ है इसके लिए, जो एक्स्ट्रा चार्जेबल होते हैं। अच्छा। ठीक है जी। बाकी दो दो ब्लैंकेट्स दिए हुए हैं हमने एक्स्ट्रा। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट से काफी फायदा हो जाता है, हम खुद यूज किया हमने कल, तो इसलिए हमें पता है। कुछ और कैटेगरीज है इनकी वो भी देखते हैं। तो ये हमने अल्पाइन कैंप्स देखे हैं, अभी ये स्विस कैंप्स हैं, राइट? स्विस कैंप्स में काफी अच्छी बेडिंग दी है इन्होंने, और जो जरूरी चीज हमें चाहिए होती है अटैच वॉशरूम, वो इसमें है। जनरली तो फैमिलीज के लिए तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करती हूँ कैंप्स। हाँ, यहाँ पर ग्रुप्स आते हैं, जैसे यंगस्टर्स बहुत पसंद करते हैं ऐसी जगह पर आना, स्टूडेंट्स बहुत आते हैं यहाँ पर, लेकिन ये इस तरह के ग्लैम्स जो हैं यहाँ पर, इनमें आप कपल के लिए ये सूटेबल होते हैं, क्योंकि एक तो काफ़ी स्पेशियस भी हैं, और थोड़ा सा जैसे इन्होंने भी सेपरेट बनाया हुआ है। ये बिल्कुल एक रूम की तरह आपको मिलता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा बेडिंग भी दी गई है, 3 लोगों के लिए है ये, और साथ में काफ़ी अच्छा वॉशरूम भी है।
यहाँ पर जो इन्होंने इंडिविजुअल हमें चार्जेस अभी बताए हैं वो 1000 रुपीज़ पर पर्सन से लेकर 3500 रुपीज़ इन्होंने हमें ग्लैम्स का बताया है। यहाँ पर देखिए कैंप्स में आपको बॉर्न फायर DJ ये सब तो मिलता ही है। यहाँ पर इस तरह से इन्होंने फायर प्लेस दिया हुआ है और ये टेबल्स है और यहीं से आपको रिवर के लिए एक्सेस मिल जाता है। ये देखिए इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। ये नेचर मुझे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और मुझे बस यही चाहिए। और देखिए कितनी सुंदर जगह, एक तरफ देवदार ट्रीज, एक तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़ और एक तरफ ये नदी का नज़ारा, बहुत खूबसूरत है। तो चलिए लंच का टाइम हो गया है तो हम लंच यहीं पर करके और फिर आगे चलते हैं अपनी मंजिल तक। और हमारा यहाँ स्पेशली रुककर खाना खाने का एक रीज़न है क्योंकि जब कल हम राइजन मीडो में रुके थे वहाँ पर जो शेफ़ थे उन्होंने हमें बोला कि मैम आप उस तरफ जा रहे हो तो कबीला कैंप्स में आप खाना ज़रूर खा के आना, वहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। तो चलिए हम उनकी बात मान के रुक गए हैं और यहाँ पर हमें मिल रहे हैं हमारे अगेन फेवरेट राजमा और मिक्स वेज, साथ में राइस एंड चपाती। तो हम आ गए हैं अपने होटल पर जहाँ पर हमने हमारे लिए बुकिंग की गई है, फ्लूटो हॉलीडेज़ ने बुक किया है और हमने उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी कि हमें भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं चाहिए और व्यू अच्छा चाहिए, साथ में पार्किंग होनी चाहिए। तो हमें पार्किंग मिल गई है, हमने गाड़ी पार्क कर दी है और देखते हैं अब यहाँ पर हमें किस तरह का होटल उन्होंने बुक करके दिया है। बहुत ज़रूरी होता है जब हम खुद से एक्सपीरियंस करेंगे तभी तो आपको बता पाएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए एम्बियंस तो मुझे बहुत हरा भरा मिल गया है जो कि हर जगह हम ढूंढते ही हैं और सामने पहाड़ों से व्यू भी अच्छा दिख रहा है हमें, पहाड़ों का बिल्कुल बर्फ़ पड़ी हुई है ताज़ा ताज़ा। और लेकिन ये सामने थोड़ा कंस्ट्रक्शन ने व्यू में बाधा डाल दिया। ये रिसेप्शन एरिया है, चेक इन हमने कर लिया है तो आपको अब रूम में दिखाते हैं अपना रूम। रेस्टोरेंट से होते हुए जा रहे हैं हम रूम में, ये पूरा रेस्टोरेंट दिया हुआ है इन्होंने और यहाँ से भी व्यू पूरा वही मिल रहा है हमें। अच्छा और यहाँ पे हमें ये भेड़े मिल गई, इनकी स्किन ये तो ओरिजिनल लग रही है मुझे, ये सच में ओरिजिनल है आई थिंक। फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं हम, अरे वाह हमारे रूम के इस तरफ भी देखिए बड़ा अच्छा सा व्यू है, ये माउंटेन व्यू और गार्डन वार्डन बनाया हुआ है, झूला लगाया हुआ है, ओवरऑल एम्बियंस अच्छा लग रहा है मुझे होटल का। और ये हमारे लिए रूम बुक किया गया है, देखिए रूम मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कि वो छोटा सा रूम नहीं है, काफ़ी बड़ा रूम है, लगेज के लिए काफ़ी स्पेस है, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। ठंड लगे तो अंदर बैठ के व्यू का मज़ा लीजिए और अगर फ्रेश एयर लेनी हो, ठंडक का मज़ा लेना हो तो बाहर बालकनी से, ब्यूटीफुल व्यू। हेलो, हाँ देख रहे हैं। इस ब्यूटीफुल जगह का नाम है एम्बियन रिजॉर्ट और लोकेशन क्योंकि काफ़ी हाइट पे है तो यहाँ से हमें व्यू अच्छा मिल रहा है। और किस तरह का पूरा कंप्लीट हमें फ्लूटो हॉलीडेज़ ने पैकेज दिया है, क्या कॉस्ट रही और किस तरह की हमारी सर्विसेज रहेंगी क्योंकि अभी तो हमने सर्विसेज लेना स्टार्ट किया है, कंप्लीट स्टे जो हमारा रहेगा पूरा फीडबैक हम आपको देंगे, एक जेन्युइन रिव्यू जो ओरिजिनल रिव्यू है वो हम आपको देंगे ताकि आप लोगों को अगर यहाँ पर आना है या गोवा कश्मीर जाना है तो आपको अगर पैकेज फ्लूटो हॉलीडेज से बुक कराना है तो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।